नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो आज एक कहानी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, और एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने शायद पहले भी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, तब भी आज ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। तो इस कहानी का क्या नाम है? इस कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। प्यारे बच्चों, एक कहानी सुनो, बड़ी मज़ेदार। ये कहानी परियों की नहीं है, ये कहानी राक्षस की भी नहीं है, ये कहानी तो है एक गरीब लकड़हारे की। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियाँ काटता है। तो चलो शुरू करते हैं लकड़हारे की कहानी। लकड़हारा खूब मेहनत करता था, दिन भर लकड़ियाँ काटता था और शाम को उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता था। यह लकड़हारा था बहुत सच्चा और ईमानदार। तो एक दिन की बात है कि एक दिन नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। वे काट काट कर लकड़ियाँ किनारे पर डालता जाता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसके हाथ से उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में जा गिरी। अब लकड़हारा परेशान हो गया। अब करे तो क्या करे, अब उसके पास तो कोई दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं थी। अब शाम को बच्चों को क्या खिलाएगा, ये सोचकर लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। और हार कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नदी के किनारे बैठ गया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे देव, मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो, मैं अपनी कुल्हाड़ी नदी से कैसे निकालूं? कुछ मुझे तरकीब बता दो, मैं कुल्हाड़ी के बिना लकड़ियां कैसे काटूंगा? इतना जब वो कह रहा था, तभी अचानक क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ। पानी में से एक हाथ ऊपर आया, उसके हाथ में क्या था, कुल्हाड़ी, और वो भी सोने की। और उसके बाद नदी से आवाज़ आई, ले लो अपनी कुल्हाड़ी ले लो। लकड़हारा आगे नहीं बढ़ा, देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, लेकिन वो आगे नहीं गया। बोला, ये कुल्हाड़ी मैं नहीं लूँगा, यह मेरी नहीं है। हाथ वापस नदी में चला गया। अब दोबारा से हाथ पानी से बाहर फिर नज़र आता है। इस बार उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। और फिर से नदी से आवाज़ आती है, ले लो अब तो अपनी कुल्हाड़ी तुम ले ही लो, ये कुल्हाड़ी तो तुम्हारी ही है ना। कुल्हाड़ी उसने देखी कि ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारे ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं लूँगा। अब हाथ दोबारा पानी में चला गया, वो काफ़ी देर तक हाथ आया भी नहीं। तो जो लकड़हारा था वो वापस जाने लगा। तो जैसे ही वो उठने लगा तो फिर से एक आवाज़ आई, अच्छा सुनो, देखो यह कुल्हाड़ी तो तुम्हारी ही होगी। जैसे ही आवाज़ आई तो लकड़हारे ने मुड़ के क्या देखा कि हाथ फिर पानी से बाहर आया था और उसके हाथ में फिर से एक कुल्हाड़ी थी। और इस बार कुल्हाड़ी थी लोहे की, जो कि उस लकड़हारे की ही थी। अब तो लकड़हारा बहुत खुश हो गया, हाँ हाँ यही तो है, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। वो जैसे ही लपक कर उसको आगे लेने के लिए बढ़ा, तभी अचानक से जल के देवता प्रकट हो गए और वे उससे बहुत प्रसन्न थे। और उसको उन्होंने क्या कहा कि तुम सचमुच एक बहुत ईमानदार आदमी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें ईमानदारी का इनाम दे रहा हूँ। और इस इनाम के स्वरूप में मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियाँ देता हूँ। लकड़हारा बहुत खुश हो गया, वे आगे बढ़कर देवता को प्रणाम कर उन कुल्हाड़ियों को ले लेता है। वे बार बार देवता का धन्यवाद करता रहता है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह जाते हैं। और उसके बाद जो देवता थे वो गायब हो जाते हैं। तो देखा बच्चों, सुनी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि लालच मत करो, ईमानदार बनो और सदैव सच बोलो। देखो इसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी, है ना, अब इसके घर में सिर्फ ये काम करता है और तभी इसका घर चलता है। ये चाहता
तो जब सोने की कुल्हाड़ी वो लेकर आया था हाथ, तो ये ले सकता था लेकिन इसने नहीं ली। ये एक सच बोलने वाला आदमी था और ईमानदार आदमी था। और ईमानदारी का क्या फल हुआ? इसको अपनी लोहे की कुल्हाड़ी तो मिली, साथ में चांदी और सोने की भी मिली, है ना। तो हमेशा ईमानदार बनो और सदैव सच बोलो, और लालच करना बुरी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, सीख जिससे मिलती है। इसे बच्चों को समझाइए कि क्या सीख मिलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।